नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल एग्जामिनेशन इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। ये इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के इंग्लिश कंपलसरी पेपर का ये क्वेश्चन पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का बिहार बोर्ड का। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले मैं कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट के जैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ अपलोड कर चुकी हूँ और ये है इंग्लिश कंपलसरी पेपर का। तो इसमें टोटल प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों की संख्या तो वैसे 107 है, लेकिन इनमें से आपको जैसे कुल प्रश्नों की संख्या 107 है जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, 100 में से 50 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए देखेंगे, इसमें पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है इसका। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें टोटल मार्क्स होंगे फुल मार्क्स 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट इन द OMR आंसर शीट। ओके, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपको उसका आंसर करने के लिए OMR शीट मिलेगा, आंसर शीट, जिस पर विद्यार्थियों को अपने बुकलेट नंबर का 10 नंबर का जो डिजिट है वो उस पर लिखना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि विद्यार्थियों के अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि आपके राइट हैंड मार्जिन की तरफ दाहिने हाशिए की तरफ जो मार्क्स दिए गए हैं वो मार्क्स हैं उसके उसके फुल मार्क्स को इंडिकेट करते हैं। 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, यानी कि 3 घंटे का एग्जाम है, इसके अलावा आपको 15 मिनट विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि वे क्वेश्चन पेपर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ सकें। दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी एक दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड, ये क्वेश्चन बुकलेट जो है 2 ग्रुपों में सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिनमें से आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड, जिनमें से 50 क्वेश्चन का आंसर करना है और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। कह रहा है कि इसमें ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही, बॉल पेन का ही यूज करना है। डोंट यूज वाइटनर लिक्विड ब्लेड नेल ETC ऑन OMR शीट, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी इनवैलिड। इन सेक्शन बी देयर आर 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड एडेयर टू द वर्ड लिमिट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ओके, 7 क्वेश्चन दिए गया, 7 क्वेश्चन का आंसर को आंसर करना है। यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तु है, फ़ोन हो, ब्लूटूथ हो, इस तरह से उसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए में जैसे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से 50 क्वेश्चन को ही सही किया जाएगा, तो इसमें वही क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिए जो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका आंसर जानते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो टिक लगाया हुआ है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये सही लगाया, क्योंकि इसे विद्यार्थी ने लगाया है और मैंने इसका आंसर इसलिए नहीं किया ताकि आप खुद, आंसर बहुत ईजी था तो आप इसे खुद सॉल्व करें और इसका आंसर तैयार करें। मैं सिर्फ दिखा देती हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1, द सिनोनिम्स ऑफ एनुअल इज, एनुअल का अर्थ क्या होता है, ईयरली, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का, लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, इसका एक्टिव चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव इज, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4, आई एम टायर्ड वेटिंग फॉर हिम, ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, द मैन हु केम वुड नॉट गेट सीट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑड वंस करना, जैसे कार, स्टीमर, सीप, केटल, इसमें केटल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नीड ए टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट क्यूरियोसिटी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, निगेटिव सेंटेंस चूज करना है इसमें से, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, क्वेश्चन नंबर 16, सब ग्रामर पोर्शन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, 38, क्वेश्चन नंबर 39, नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, 46, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, 49, क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। 50, करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, 59, क्वेश्चन नंबर 60। अब नीचे आप देखते हैं इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, क्वेश्चन फ्रॉम 61 टू 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट दिया गया है उसी टेक्स्ट के आधार पे ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये टेक्स्ट किधर दिया है, नीचे दिया है सर, चलिए 61 क्वेश्चन है। अच्छा, 61 टू, ये प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट यानी कि जो बुक आपका आपको पढ़ना है 12th में, उसी बुक के आधार पर, टेक्स्ट बुक के आधार पर ही ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ओल्ड एक इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश, उसका उससे ये क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। 62, 63, पैसेज ऑफ इंडिया किसने लिखा, स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, नहीं ये कलर जो है COLOR अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। देखिए किसी विद्यार्थी ने ये लगाया, गलत है, क्योंकि इंडियन इंग्लिश में तो COLOUR होता है। 65, अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, MacVittie इज एन convicted क्रिमिनल, अमेरिकन क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल, ऑर्डिनरी।
मास्टर क्रिमिनल। 66 द सोल्जर इज द पोएम द सोल्जर इज फ्रेंच जर्मन इंग्लिश स्पेनिश। 67 आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। 68 69 ये सारे पोएम जो दिए गए हैं बुक में उससे हैं, और ये सब 69 से क्वेश्चन पोएट इससे प्रोज से लिया गया है। 60 पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट फॉर हर ब्रदर ब्रांडा हुआ। 61 क्वेश्चन नंबर 61 62 60 मैं कर रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। 60 नहीं 70 आ गया ना, 69 तो यहाँ था ही। हाँ 69 70 सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 70 71 72 क्वेश्चन नंबर 72 73 74 75 76 क्वेश्चन नंबर 77 78 क्वेश्चन नंबर 79 80 81 क्वेश्चन नंबर 81 ये सारे प्रोज के राइटर का नाम है। 82 क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 84 85 86 87 88 89 90 क्वेश्चन नंबर 90 ना क्वेश्चन नंबर 91 92 93 क्वेश्चन नंबर 94 95 96 क्वेश्चन नंबर 97 98 99 100 ओके। तो इस तरह से ये रहा टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स, यानी 150 से 200 शब्दों में इस पे ऐसे लिखना है। योर हॉबी, महात्मा गांधी, ईविल ऑफ कास्ट सिस्टम, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी जो चमकता है वो सोना नहीं होता, कोविड 19 पेंडेमिक ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सारे इतने दिए गए हैं इनमें से एक को एक्सप्लेन करना है, चार यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी सब क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से क्वेश्चन नहीं। यू कैन शाउट योर लंग आउट इन योर प्लेस बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ। अच्छा इसे एक्सप्लेन करना है, ये चार दिए गए हैं ए बी सी डी एक्सप्लेन करना है। चलिए 4 नंबर राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ओके। चार का भी आंसर दे सकते हैं, या राइट अ लेटर टू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ योर स्टेट फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ कोविड 19 पेशेंट इन हॉस्पिटल इन द हॉस्पिटल ओके। 4 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। आंसर एनी 5 द फॉलोइंग इन अबाउट 40 टू 50 वर्ड, 40 से 50 शब्दों में लिखना है। ये सारे दिए गए हैं आप देख सकते हैं, जेट ने 10 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं पोएट्री से, इसको आप देख लीजिए। चलिए 6 नंबर आंसर एनी 3 द फॉलोइंग इन अबाउट 100 टू 120, 100 से 120 शब्दों में लिखना है 3 पर। सोल्जर, फायरमैन, राइट समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी जो 3 पोएम दिए इनमें से एक पर समरी लिखना है। बी में राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस, यहाँ जो प्रोज दिया गया इन पर से किसी एक पर समरी लिखना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, या इसमें से सी का जो और करके दिया है। राइट ए नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड ड्रामा, राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश ओके, इनमें से किसी एक पर आप नोट लिखें। डी नंबर में ये
राइटर का नाम दिए गए हैं और ये प्रोज के नाम है, प्रोज और पोएट्री के, जिनमें से आपको देखना है कि किस कौन से राइटर किसके कौन सा लिखा गया है। सी नंबर में ट्रांसलेशन दिया गया है, इनमें से आपको 5 से ट्रांसलेशन सॉल्व करना है। ओके, सी नंबर क्वेश्चन, गाड़ी स्टेशन पे आ रही है, मैं इस होटल में ठहरा हूँ, मेरे घर के पास मत आओ, मैं कल अमृतसर जाऊँगा, तुमने फूल क्यों तोड़ा, नालंदा ऐतिहासिक स्थल है, क्या तुम उससे नाराज हो, उसने मुझे अपने घर बुलाया है। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ नंबर में है, मैच द नेम ऑफ द पोएट गिवन इन लिस्ट ए विथ द वर्क इन लिस्ट बी। ओके, ये पोएट्स का नाम एक तरफ दिया गया है और एक पोएम का नाम दिया गया है और वो मैच करना है कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है। अब सेवन नंबर में देखिए, सेवन नंबर में एक पैसेज दिया गया है, आप उसे केयरफुली आप उसको पढ़ें और पढ़ के उसी से रिलेटेड नीचे आंसर दिया गया है। व्हाट इज कन्वर्सेशन, व्हाट कैन एवरीवन डू, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कन्वर्सेशन इज अ फाइन आर्ट, इट इज ए आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट एंड फीलिंग, इट इज एन आर्ट विच एनीबॉडी कैन कल्टिवेट और मास्टर, नॉट एवरीबॉडी कैन पेंट या प्ले म्यूजिक, बट ऑलमोस्ट एवरीवन कैन टॉक, एंड टॉक इज बाय फार द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ प्लेजर्स, इट कॉस्ट नथिंग इन टर्म ऑफ मनी, इट इज ऑल प्रॉफिट, इट कंप्लीट्स आवर एजुकेशन एंड इज इंडीड द मोस्ट टीचेबल ऑफ ऑल द आर्ट्स, ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड द सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट्स यू एंड योर लिसनर्स। ओके, तो ये हुआ, एक पैसेज दिया गया है जिससे आंसर ये किया हुआ है। व्हाट इज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन फाइन आर्ट, व्हाट कैन एवरीवन डू, इज कन्वर्सेशन एक्सपेंसिव, मेक सेंटेंस विथ कन्वर्सेशन सब्जेक्ट। ओके, या राइट ए प्रेसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल, या वो आंसर कीजिए या इसको पढ़िए और इसको संक्षेप में करके इसका प्रेसाइज करके इसको सुटेबल टाइटल दीजिए। ओके, तो इस तरह से ये रहा इंग्लिश पेपर का इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के 2021 के एग्जामिनेशन के इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो चलिए मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे आर्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं और साइंस और कुछ और सब्जेक्ट जो आर्ट्स के बाकी है, मैं कोशिश कर रही हूं कि विद्यार्थियों से वो क्वेश्चन मिले तो मैं आप लोगों के लिए, जो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए अपलोड कर दूँ। बस आप वीडियो को देखें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल का सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री के और जो क्वेश्चन पेपर है उस तरह के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए अब पढ़िए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।